हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट वर्क में। आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, वो है अपना कंक्रीट पंप पे। अपना जो कंक्रीट पंप होता है, आप जानते हो कि बहुत सारे साइट पे यूज, तो आई मीन ऑलमोस्ट एवरी साइट पे यूज होता ही है ये कंक्रीट पंप, वो चाहे छोटा स्ट्रक्चर हो या फिर बड़ा स्ट्रक्चर हो, ये यूज होता है। आज हम लोग बात करेंगे कंक्रीट पंप के बारे में कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने साइट पे, कैसे इसका पूरा का पूरा पाइपलाइन करते हैं। ये जब वर्क करता है तो आप जानते ही हो कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होता है। इसको बैलेंस में रखने के लिए क्या कुछ हम लोग साइट पे ऑप्शन रहता है हम लोग के पास, वो सारी चीज़ें क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ पे अपना ये कंक्रीट पंप लगाना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना, आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा इस चीज़ के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला अपना काम होता है जब हम पंप लेकर आते हैं साइट पे, तो अपना सबसे पहला काम होता है कि हम पंप को ऐसी जगह पे रखवाएं जहां पे कि हमारा पाइपलाइन किया जाए तो वो बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट स्ट्रक्चर में जाए जहां पे हमें कास्टिंग करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ऐसा रखवाया कि हमारा पाइपलाइन होके सामने स्ट्रक्चर में गया है। आप ये देख सकते हो, 90 डिग्री का बेंड है, सामने पाइपलाइन है, 90 डिग्री का बेंड है और ऊपर हमारे स्ट्रक्चर में गया। आप देख सकते हो शटरिंग वटरिंग सपोर्ट लगा हुआ है पूरा। इस तरीके से प्लेसिंग करवाना है और साइट कंडीशन के अकॉर्डिंग जेसीबी की जरूरत ही पड़ती है, बैक हो लोडर जो होता है उस मशीन की जरूरत पड़ती है। आप उस मशीन को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, एक दूसरी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम पाइपलाइन करते हैं, जैसे हमने मशीन सेट कर लिया अपना, उसके बाद जब हम पाइपलाइन करते हैं तो पाइपलाइन करने से पहले उसको इस तरीके से क्लीन किया जाता है मार के। तो आपने देखा अभी किस तरीके से इस ऑपरेटर ने मार के पाइप को क्लीन किया और फिर इसके बाद जो गंदगी उसमें निकला उसको सीधा करके पूरा का पूरा निकाल दिया जाता है। वो गंदगी निकल जाती है, उसके बाद फिर क्लैंप लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्लैंप लगाने से पहले ना आपको एक बहुत ही बड़ी बात की ध्यान रखनी पड़ती है कि जो उसके कॉर्नर्स होते हैं, पाइप के जो कॉर्नर्स होते हैं, आपको क्लीन करना पड़ता है। इस तरीके से आपको क्लीन करना पड़ेगा उसको पूरा मार मार के, जो पहले का जो उस पर कॉन्क्रीट जमा हुआ है उसको क्लीन करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से क्लीन करना पड़ेगा उसके रिंग पे से। नहीं तो क्या होता है कि क्लैंप फिर फिट नहीं होता है और अच्छे से आपको प्रॉपर डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी उसकी मार मार के। अगर आप डीप क्लीन नहीं करोगे तो क्या होगा कि जब मोटर जब अपना पास करेगा ना, जब आप मसाला बना के उससे पास कराओगे तो फंस जाएगा बीच में। वो सूखा मसाला पहले का है, वो उसके वजह से फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन बनेगा, फ्लो में रुकावट बनेगा और वो उसके वजह से फिर अपना पाइप जाम हो जाएगा। और दोस्तों, जब आप ये पाइप को अपने और उसके पाइप के एंट्री और एग्जिट को, यानी जहां पे क्लैंप लगता है, जब आप उसको क्लीन कर चुके होगे प्रॉपरली, ठीक है, जब आप उसको बैठा लोगे तो ये देखो जैसे क्लैंप बैठा ले जा रहा है, इस तरीके से अपना क्लैंप को बैठा ले जाता है बिल्कुल लाइन को स्ट्रेट करके। जो अपना जो पाइप का जो लाइनिंग होती है ना, वो एकदम स्ट्रेट रखा जाता है, जरा सा भी ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट या राइट नहीं होना चाहिए, फिर किसी भी डायरेक्शन में टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर टेढ़ा होगा तो क्लैंप बैठेगा नहीं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑपरेटर कितनी बारीकी से बैठा रहा है और जरा जरा सा भी डायरेक्शन दे रहा है कि बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है वो, और कितनी बारीकी से करके बैठा रहा है। जनरल सोच में तो आदमी यही सोचा है कि ये तो आराम से बैठ जाना चाहिए, आफ्टर ऑल लाइक यू नो हैवी स्ट्रक्चर, तो आराम से बैठ जाना चाहिए। लेकिन आप देखो कितना मुश्किल होता है, कितना ब्लोज मार मार के वो बैठा रहा है, क्योंकि ये बैठता नहीं है इतना आसानी से। बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कुछ बातों का, यानी पाइप जब आप लगाना है पाइप को, तो आप पाइप को पहले अंदर का पूरा क्लीन करो, फिर आप उसका जो कॉर्नर्स होता है दोनों कॉर्नर को क्लीन करो, फिर उसके बाद क्लैंप भी होता है उसको भी क्लीन करना पड़ता है, उसमें भी कॉन्क्रीट फंसा हुआ होता है उसको भी क्लीन करना पड़ता है। क्लैंप भी क्लीन करो और फिर उसके बाद आप इसको लगाओ। जब आप इसको लगा के इस तरीके से जब आप ब्लोज मार के उसको फिक्स कर दोगे, तो उसके बाद क्या करना है, 4 से 5 बाइंडिंग वायर लेना, 4 से 5 बाइंडिंग वायर से भी उसको बांध देना है। इससे हमारा प्रॉपरली फिक्स हो जाता है। बाइंडिंग वायर से बांधने के बाद क्या होता है कि स्लरी हमारा नहीं निकल होता है उसमें से। क्या होता है कि जब हमारा आप जब कास्टिंग करोगे, कंक्रीटिंग जाता है, जब कंक्रीट जब अपना पाइपलाइन के थ्रू होते हुए गुजरता है, तो क्या होता है कि उसमें से स्लरी लीक करने लग जाएगा अगर वो प्रॉपरली पैक नहीं हुआ होगा तो। इसीलिए बाइंडिंग वायर लगा के बिल्कुल एंश्योर किया जाता है, पक्का किया जाता है कि अपना कहीं से भी स्लरी गिरे नहीं, लीक नहीं करे। और जब दोस्तों हम लोग जब अपना नीचे का जो पाइपलाइन है, जब अपना पाइपलाइन कर चुके होते हैं, सफिशियंट पाइपलाइन कर चुके होते हैं, तो उसके बाद उसके नीचे सपोर्ट लगाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अपना पाइपलाइन इसी तरीके से नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है ये तो, कि पाइपलाइन बहुत हैवी हो जाता है बिकॉज मोटर पास करता है, तो इसी तरीके से अपने आप में रह नहीं सकता, उसके नीचे सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। तो आप शटरिंग प्लेट को यूज कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू द साइट कंडीशन आप जैक भी यूज कर सकते हो। ये देखो हम लोग यहाँ पे जैक यूज कर रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू द साइट कंडीशन होता है जैक को। लेकिन आप कोई भी सपोर्ट यूज करो, इधर शटरिंग प्लेट या फिर जैक, आप ध्यान रखना कि उसको कम से कम नहीं तो 5 से 6 बाइंडिंग वायर से बांधना, अच्छे से टाइटली बांधना उसको।
और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री वाला पाइप लगा रहे हैं, एंड वही सेम प्रोसीजर फॉलो होता है जो स्ट्रेट पाइपलाइन लगाने में यूज होता है। और ध्यान रहे कि हमारा जो कंक्रीट पाइप जो आता है ना, वो 2 मीटर 3 मीटर इस तरीके की लेंथ में आता है। आप बाकी लाइक यू नो अकॉर्डिंग टू द यूज वो पाइप की साइज वेरी भी करती है, लेकिन जनरली 2 मीटर 3 मीटर की लंबाई में आता है। और जब दोस्तों आपने अपना पाइप प्लेसिंग कर लिया होगा, आप देखे होंगे एक सपोर्ट लगा लिया हमने शटरिंग प्लेट और जैक का नीचे में, और जब ऊपर की बात आती है जहां पे हमें कास्ट करना है, तो वहां पे क्या आप देख सकते हो कि एक और रस्सी के थ्रू हमने पाइप को बांध दिया है। उसका क्या मकसद है कि हमारे अपने पाइप को ना स्टेबलाइज करना है, क्योंकि जब मोर्टार पास करता है तो पाइप बहुत ही ज्यादा हिलता है, उसको स्टेबलाइजेशन के लिए हमने यहाँ पे रस्सी लगाया है। तो दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद अब हमारी बारी आती है कि इसको हम स्टार्ट करें। अब हम अपना क्या कंक्रीट पंप को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उसमें अच्छा खासा पानी डालते हैं। ओके, फ्यूरी या फिर टीएम उसको यूज करके पानी डालते हैं इसमें, ठीक है, बहुत अच्छा खासा पानी डालते हैं। और उसके बाद क्या उस पानी को ना पास कराते हैं, मतलब पास कराते हैं पंप से कि पूरा कंक्रीट पाइप में ना पानी हो जाए, लेकिन वो पूरा का पूरा अंदर का कंक्रीट पाइप पानी से भींग जाए। इससे क्या होगा कि हमारा जब कंक्रीट जब भी हमारा मोर्टार पास करेगा तो वो आसानी से पास करेगा। आप नेचुरली सोचो ये चीज कि अगर पाइप अगर अंदर से सूखा हुआ रहेगा और मोर्टार सडनली पास कराने लग जाएंगे उससे, तो उसमें क्या लाइक वो ब्लॉक होने का चांसेस रहेगा, बिकॉज वाटर उसमें मिक्स हुआ हुआ रहता है, वाटर लाइक फैला हुआ नहीं रहता, वो ब्लीडिंग नहीं हो रही होती है उसमें, बल्कि वो वाटर उसमें मिक्स रहता है, टाइट रहता है मिक्सचर। सो इसलिए क्या पहले पानी पास कराना होता है, पहले पानी डाल के पास करा लो पाइप से, और उसके बाद क्या अपना फिर मसाला डालते हैं, उसके बाद फिर मसाला पास कराते हैं। और दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखने का है कि जब भी जो सबसे पहला जो फ्यूरी या फिर टीएम जो आप क्वांटिटी डालोगे, जो माल डालोगे आप इसमें अपने कंक्रीट पाइप में कंक्रीट पंप में, सो वो माल बहुत ही गीला होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑपरेटर क्या बता रहा था, चढ़ के पंप ऑपरेटर बता रहा था फ्यूरी ऑपरेटर को कि माल गीला है या टाइट है क्या है, उसके हिसाब से उसने पानी चलाया, पानी और डाला। सो ये काम होता है अपने ऑपरेटर्स का कि वो बताएं फ्यूरी या फिर टीएम ऑपरेटर्स को कि कैसा माल आ रहा है। आप ये देख सकते हो शुरुआत में पानी था और अभी पहला ये फ्यूरी डल ही रहा है, इसमें पहले का पानी डला हुआ था इसमें बहुत सारा, और उसके बाद अभी डाला इन्होंने पहली बार क्या ये डाल रहे हैं, जो अपना जो मसाला बन के है उसको डाला जा रहा है। तो इस चीज़ का ना बहुत ही खास ख्याल रखना कि जो अपना सबसे पहला जो टीएम या फिर फ्यूरी आके लगेगा, जो मसाला डाला जाएगा, तो वो एकदम गीला माल हो, क्योंकि क्या होगा कि अगर पहली बार आप बहुत टाइट माल भेज दोगे ना, तो अंदर की जो भी थोड़ी मोड़ी बची हुई गंदगी होगी ना, उससे अपना पाइप चोक होने का चांस रहता है। सो एकदम गीला माल डालना स्टार्ट में, एकदम गीला माल, और जब वो गीला माल पास करने लगेगा तब ठीक है, आप अगले फ्यूरी से क्या थोड़ा टाइट बनाओगे, कोई मसला नहीं है, चलेगा वो। लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहली फ्यूरी या टीएम में टाइट माल नहीं डालना, नहीं तो वो पंप पाइप चोक हो जाएगा। और पाइप चोक हुआ मतलब 2 से 3 घंटा उसमें उसको अनचोक करने में यानी उसको सही करने में लग जाएगा। सो इस चीज से, और जब हमारा जो कास्टिंग हो रहा होता है तो हमारा मसाला आप इस तरीके से देखो, लूज माल जो है ना इस तरीके से गिर रहा होता है, हमने लूज माल ही बनाया था, हमने ज्यादा टाइट रखा नहीं, हमने स्लंप 110 115 के करीब करीब रखा था, तो अपना इस तरीके का माल लाइक यू नो बह रहा था, मतलब बहने वाला माल था, ऐसा नहीं था कि एक जगह पे गिरा वो टाइट वहीं पे पड़ा हुआ, ऐसा नहीं था, हमने थोड़ा लूज माल बनाया था। और दोस्तों जब आपकी कास्टिंग हो जाए पूरी, तो आप जब कंक्रीट पाइप अपनी ओपन करोगे, तो आप इस तरीके से क्लैंप खोलने के बाद आप जो उसका जो माल जो होगा पाइप में, आप उसको इस तरीके से झाड़ लेना, मतलब निकाल लेना, एक साइड से आप पाइप उठा देना और दूसरे साइड से वो ऑटोमेटिकली जो भी उसमें क्वांटिटी था, जो भी उसमें मोर्टार था, वो निकल जाएगा, और उसके बाद ही आप अपने पाइप को ना बाहर की तरफ निकालना। ओके, और दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है ना ध्यान देने की कि जब आपका कास्टिंग हो रहा होता है और एक फ्योरी मान लो अभी खाली हुई है और दूसरी फ्योरी मतलब तो वो बन के अब फिर से आने वाली है, तो उतने देर के बीच में कभी भी आप अपना कंक्रीट पंप पूरा का पूरा खाली मत कर देना। जो उसका जो बकेट होता है, जो ये जो बकेट देख रहे हो आप सामने, ये जो होता है एरिया, इसको पूरा का पूरा खाली मत कर देना। ओके, क्योंकि क्या होता है फ्योरी को बनने में अपना 40 मिनट टाइमिंग लगता है, 3.5 m³ के फ्योरी को बनने में 40 मिनट का टाइमिंग लगता है, और उस दौरान अगर आपने ये कंक्रीट पंप खाली कर दिया है, ठीक है, मान लो स्ट्रोक मारने के लिए उसमें कोई क्वांटिटी है ही नहीं, कोई मसाला है ही नहीं, तो अब क्या होगा इस केस में, जो भी थोड़ा मोड़ा जो भी मसाला बचा हुआ होगा ना, जो थोड़ा सा जिसको ये पंप नहीं किया सकता है, वो वहीं का वहीं जमना स्टार्ट हो जाएगा, और पाइप में भी जो आपने जो पाइपलाइन कर रखा है उसमें भी वो क्वांटिटी जमना स्टार्ट हो जाएगा।
और जब क्वांटिटी जमता है दोस्तों, तो आपको तो पता ही है क्या होता है, अपना कंक्रीट पाइप चोक हो जाता है और 2 से 3 घंटा फिर लगना पक्का हो जाता है। 2 से 3 घंटा उसको वापस खाली करने में लग जाएगा। सो इस चीज से बचने के लिए कभी भी पूरा का पूरा क्वांटिटी उसमें से खाली मत करना। और जब ऐसा होगा कि जब फ्यूरी गया है नया बनने के लिए, तो क्या करना है कि बीच में हर 2 मिनट पे, 4 मिनट पे या 5 मिनट पे ना एक स्ट्रोक दो स्ट्रोक लगाते रहना है, ताकि क्वांटिटी जमे नहीं। 5 5 मिनट का, 5 मिनट का इंटरवल और जनरल लेके चल सकते हो, 4 से 5 मिनट का इंटरवल। 4 से 5 मिनट के इंटरवल पे क्या, आप 2 स्ट्रोक 3 स्ट्रोक आप लगाते रहना। इससे क्या होगा कि माल जमेगा नहीं पाइप में, नहीं पाइप में जमेगा, नहीं इस बकेट में जमेगा। कॉन्क्रीट पाइप का, कॉन्क्रीट मशीन का जो पंप, कॉन्क्रीट पंप का जो बकेट होता है ना, उसमें भी नहीं जमेगा। ओके, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और उनको भी इन्फॉर्मेशन बढ़ाना, और इस वीडियो को लाइक कर दो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके बगल में एक बेल आइकॉन बनेगा उसको भी ऑन कर लो। उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और वो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, सबसे पहले उसका अपडेट मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू।